These 30 days are the time when you can reach your dream college or you can get kicked out of the race. So hi everyone, welcome back to my channel. So finally 30 days are left for exam and my anxiety level at its peak right now. खुद पे डाउट होने लगता है जब मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते टेस्ट में. आई कांट इवन एक्सप्लेन द फीलिंग्स राइट नाउ. आई वॉज लिटरली सो कन्फ्यूज दैट वट आई एम डूइंग और हाउ आई एम डूइंग माई स्टडीज आर इनफ टू गेट सिलेक्टेड दिस ईयर एंड लाइक अदर्स टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रेस एंड टू कम्प्लीट माई सिलेबस. आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटजी ऑन यूट्यूब दैट आई कैन यूज इफेक्टिवली. एंड लास्ट टाइम भी मैंने सेम ही मिस्टेक किया था. खुद पे डाउट करके मैंने इतने सारे स्ट्रेटजी वाले वीडियो देखे एंड दी लॉन्ग मैराथन्स व्हिच आर गोइंग ऑन यूट्यूब वो सब देखना स्टार्ट कर दिया था. एंड लाइक वो सब देखने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. बट दिस टाइम आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम टू डू दैट अगेन एंड दैट्स वाई आई विल फोकस मोर ऑन माई सेल्फ स्टडी एंड डूइंग एट द सेम as I am doing right now and that's why I am making this timetable for me which I am gonna follow for the next 10 days and the syllabus that I will cover. मैंने इसको अपने टेस्ट के शेड्यूल से मैच करके बनाया है. सो बेसिकली टुडे इज 5th of April. सो माई टारगेट फॉर टुडे इज दिस एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल दिस चैप्टर्स इन 10 डेज लाइक फॉर 5th to 16th April. एंड मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स के लिए 2 दिन एंड केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर्स के लिए एक एक दिन रखा है और एक आइडियल फिगर रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कि किस दिन मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं. एंड जिस दिन टेस्ट है उस दिन मैंने टेस्ट एनालिसिस एंड टेस्ट के लिए रखा है. एंड क्लास 11th को मुझे उस दिन रिवाइज करना है लाइक जो चीज़ मुझे लगेगा कि मुझे रिवाइज करना है बस उसके लिए. एंड आई मेड दिस टाइम टेबल ओनली फॉर कवरिंग क्लास 12th. एंड अगर वेटेज की बात किया जाए तो ये सारे चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट हैं. यस दिस इज़ माई टाइम टेबल फॉर 10 डेज एंड आई रियली होप दैट इट विल वर्क फॉर मी एंड आई कैन फॉलो प्रॉपरली. बाकी आफ्टर 10 डेज आई मीन आफ्टर 16th सिर्फ उन चैप्टर्स पे फोकस करूँगी जो हाई वेटेज वाले हैं एंड ऑल्सो मेरे वीक पोर्शंस हैं. सो आई विल कीप इट हेयर इन फ्रंट ऑफ माई स्टडी टेबल एंड लेट स्टार्ट. एंड आई एम स्टार्टिंग विद फिजिक्स मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर. सो ये है मेरा शॉर्ट नोट्स का कॉपी जिसमें मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही एक साथ बनाया था और इधर उधर मैं भटकती ना फिरूँ तो इसीलिए मेरे जो पुराने वाले नोट्स थे मैंने उनको भी इसमें लगा लिया है. और मैं जब इनको दूसरे कॉपी से इसमें लगाने गई थी ना तो यहाँ पे ये पूरा फट गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल पे किसी ने खंजर घोप दिया सीरियसली. क्योंकि ये लग रहा है 3 से 4 पेज बट ये मुझे बनाने में एटलीस्ट 5 to 6 days लगे. और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं जो कि मुझे अभी इस पे उसको भी अभी पेस्ट करूंगी मैं इस कॉपी में तो उसको पेस्ट करके फिर मैं पढ़ने बैठूंगी. बेसिकली मैं कोई चैप्टर छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में. एंड आई डोंट वांट टू रिग्रेट एट दैट टाइम कि मैं वो चैप्टर क्यों छोड़ दिया, मैंने वो चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा. और मेरे अंदर ना ऐसा है अगर मैं एक भी चैप्टर छोड़ जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आएगा. तो इसीलिए मैं छोड़ना भी नहीं चाहती. एट दिस फेज ऑफ टाइम ना जस्ट गोइंग लाइक अ ब्लिंक ऑफ आई एंड सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता. और शाम हो गई तो समझ लो कि दूसरा दिन चला आया क्योंकि रात ऐसे चुटकियों में बीतती है पता ही नहीं चलता. एंड दिस डेज आर गोइंग लाइक अ स्पीड ऑफ लाइट. तुम्हें एक सच बात बताऊँ, समटाइम्स आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव, समटाइम आई एम फीलिंग वेरी कन्फ्यूज, समटाइम आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट. आई डोंट नो लाइक मेरे साथ क्या हो रहा है. आई नो एवरीवन इज फीलिंग सेम आउट देयर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू आर डीलिंग विद योर एंजाइटी एंड प्रेशर. सो एक ही चैप्टर बहुत देर तक पढ़ने से माइंड सैचुरेटेड हो गया है तो दैट्स वाई आई स्विच टू बायो. एंड इन बायो आई एम डूइंग ये वाला चैप्टर, बहुत ही बड़ा नाम है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन.
इसका मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, मैं इसका डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग एमटीजी फिंगर टिप्स फॉर दैट। मैंने कोई एनसीईआरटी या फिर नोट्स कुछ भी रिवाइज नहीं किया है। आई डायरेक्टली जंप टू दी एमसीक्यूज बिकॉज जो क्वेश्चंस मुझसे गलत हो जाएंगे मैं उसको फिर बुक से रिवाइज कर लूँगी। बुक में जो हाईलाइट किया पार्ट है मैं सिर्फ वही रिवाइज कर रही हूँ। इसको कंप्लीट करके मैंने अपने नोट्स भी जल्दी से पढ़ लिया एंड जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन हैं या फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है मैंने उनको नोट कर लिया है एंड इसको मैं अपने एनसीईआरटी में ही रख दूंगी क्योंकि मेरे पास कोई मिस्टेक कॉपी नहीं है। मैं जो गलती होती है या फिर मुझे जो लगता है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं वो सब एनसीईआरटी में ही लिख लेती हूँ एंड ये दो टेबल मुझे रिवाइज करना है अभी। एंड पढ़ते पढ़ते मुझे लग गई थी भूख तो मैंने कुछ 20 या 30 मिनट के लिए ब्रेक लिया था और मैं कुछ यूट्यूब में ऐसे वीडियोस वगैरह देख रही थी। सो आई एम डन विथ माई बायोलॉजी पोर्शन, नाउ आई एम डूइंग केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इसको मैं नोट से रिवाइज कर रही हूँ, मैं साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ इसका। इसको मुझे अपने एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने हैं। सो प्लानिंग तो यही है, पता नहीं कितना हो पाएगा। मैं कोई भी रिक्स नहीं लेना चाहती इस लास्ट के कुछ दिन में, इसीलिए मैं अपने रूटीन में ही कहाँ से क्या पढ़ना है वो भी ऐड कर लिया है क्योंकि कहाँ से क्या मैं पढ़ूँ मुझे ये ना सोचना पड़े। मैं इसको पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाई, इतने सारे पेजेस बच गए हैं मुझे इसको कंप्लीट करना है, बट आज नहीं कर पाऊँगी बिकॉज अभी बहुत ही रात हो चुकी है। अच्छे से रिविजन करने जाओ तो टाइम तो लगेगा ही। All tasks are almost completed. पूरा तो नहीं हो पाया but never mind. This is also fine. I am feeling really very grateful when marking this tasks as completed and I really hope that I will cover rest of the days with the same energy because I am not very sure about me because I can't stick to a same routine but yes I hope for the best and thank you for the watching.